आज हम बीएचओ जालकोट के सामने हम खड़े हैं, हम विजिट के लिए आए हैं। कुछ ही देर में हम अंदर जाएंगे और बीएचओ जालकोट का हम विजिट करेंगे और मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे। जिसमें पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं या कोई इंजेक्शन स्पेशल रूम है, इसकी विजिट करते हैं। आए, ये एक स्पेशल रूम है जो बीएचओ के साथ ऑफिस के साथ है। इसमें जो है पेशेंट को यहाँ पे ड्रिप लगाते हैं। ये बेड की हालत आप दिखाएं जरा, जी तरह है बेड, यही कंडीशन है बेड की, ये आप देखें। और मरीज पे जब सर्दी का वक्त में जब मरीज के ऊपर जब ड्रिप लगाते हो तो कंबल शंबल नीचे ये बेडरूम ये चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप देखें, ये पुरानी सी पड़ी हुई है। ये बेड की हालत आप देखें, बाकी ये रूम की हालत आप देखें, रूम की हालत ये दिखाएं जरा, ये बिल्कुल मरम्मत नहीं है। ये चेयर आप देखें, चेयर जरा इधर, यही हालत है। जालकोट का वॉशरूम जो हम इसकी विजिट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो बीएचओ जालकोट का वॉशरूम है, यहाँ पे पानी भी नहीं है। ये देखें आप, पानी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट की सहूलियत भी नहीं है, लाइट की सहूलियत से भी महरूम है। और ये आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, बहुत ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको मरम्मत भी नहीं किया है काफ़ी अरसे से। इसकी कंडीशन आप देखें वॉशरूम की, ये देखिए जो टॉयलेट लगा हुआ है इसको देखिए आप, पानी तो बिल्कुल ही नहीं है और बिजली भी लाइट भी नहीं है इसमें। आप कब आए? मैं सुबह 9 बजे में आया हूँ, इस वक्त मेरा नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मेडिकल अफसर है कि नहीं है? मेडिकल अफसर नहीं है, लेकिन हमारे टेक्नीशियन वाले वो हमारे साथ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन बस की बात नहीं है कि डॉक्टर की जगह काम दे। कुछ बस बैठे हुए हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, रेस्ट ज़्यादा है, नंबर अभी तक हमारा नहीं आया है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो केस मेडिकल अफसर ने हैंडल करना है वो टेक्नीशियन वाला नहीं हैंडल कर सकता? हाँ, आप ये सुबह 9 बजे से आपको मैं देख रहा हूँ, 12 बज रहे हैं, आप अभी तक इधर हैं, क्या मुश्किल आ सकता है? 9 बजे तक नहीं बुलाया, अभी तक नंबर नहीं मिला है, क्योंकि टेक्नीशियन 2-3 बंदे इधर डॉक्टर की जगह ये काम करते हैं, गुजारा करते हैं। तो मतलब आप लोगों के पास इधर यहाँ बीएचओ में मेडिकल अफसर नहीं है? तो कब से नहीं है मेडिकल अफसर? 1 साल पहले से। अच्छा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? हमारी तरफ से ये है कि इधर कोई इमरजेंसी आते हैं, कोई पेशेंट सीरियस होते हैं, इधर डॉक्टर नहीं होते हैं, तो टेक्नीशियन क्या करते हैं? अच्छा, हमारे साथ इलाके के मुअज्जिन हमारे साथ मौजूद है जो गाड़ी एस पे पोश हैं। तो थोड़ा लैंग्वेज का मसला है, तो हम अपनी मादरी लैंग्वेज में इनसे पूछेंगे कि ये इनको कौन कौन से मुश्किल के सामने करने पड़ते हैं। जी वजह जब तो क्यों थे मतलब बीमारी युवा थी مریض بھر دا ہاں مقام والا ساتھی غرض آئے چھ آج یک سو کم تھن والے بھال آج مریض زیادہ تھن ہاں کم اینو جی بھال نہ بدا تو آ سے کریا لہٰذا مہربانی بول تھا چھ آج غرض آ چھ کیوں بھی زیادہ غرض ہے تو مثلا کیم پور تھونے کریا تھے ڈاکٹر موجود پکا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہاں 1 سال والے میڈیکل افسر نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں ادھر دو ولیج کے ان کے ایک جالکوٹ اور ایک بڑا والا یہ دو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ٹیکنیشین والا یہ جتنے مریض ہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ میڈیکل افسر کی وجہ سے۔ اور دوسرے سب سے بڑے مسئلہ ہے ڈلیوری کی مسئلہ ہے، ہمارے ادھر وہ لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہے، اگر کوئی ڈلیوری کیس آئے تو ہم مثال کے طور پر یا بشان جاتے ہیں یا برکرام، تو یہ بھی لیڈیز بھی ہونے چاہیے اور میڈیکل افسر بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے 2-3 دفعہ ادھر ہمارے گاؤں میں ہمارے مولوی کرام اور ہمارے وہ بڑے انہوں نے 1-2 دفعہ ڈی سی صاحب کے پاس گئے، وہاں درخواست بھی دی، ان سے بات بھی کی، لیکن ابھی تک وہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ تو ادھی سوچو جو مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر ہوں، ہاں کچہ وقت 4-5 گھنٹہ کے ہاں اگر بیٹھا ایک مشہ ہٹوا تو کون سے بس تمام آگ کوٹ ہے جگ بٹا تو کون جنت ہوا ہم
हॉस्पिटल के अंदर इंटरव्यू है और हम अब मेडिकल अफसर के रूम की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे साथ जो है जहानपुर के शहरी भी मौजूद है। आए हम देखते हैं कि मेडिकल अफसर के रूम में मेडिकल जो डॉक्टर है वो है कि नहीं है। ये जो है मेडिकल अफसर का मेन रूम यही है। मेडिकल अफसर यहाँ पे इसी रूम में होना है मेडिकल अफसर को। अब हम इंटर हो जाएंगे, इसमें देखेंगे मेडिकल अफसर है कि नहीं है। ये हम आपको मेडिकल अफसर का जो मेन जो रूम है जो आप इस वो यही है हम उसका विजिट आपको बता रहे हैं। ये आप अपनी आंखों से देखिए मेडिकल अफसर मौजूद नहीं है। तो हम जमशेद से पूछेंगे कि मेडिकल अफसर नहीं है तो कब से नहीं है यहाँ पे। इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मेडिकल अफिसर की बात हो रही है, वो मेडिकल अफिसर तकरीबन एक साल से यहाँ पे नहीं आ रहा है और पेशेंट जो है वो 150 डेली के बिना 150 से ऊपर आ रहे हैं। और अभी तक बाहर अब वीडियो बनाया है, देखा है, बहुत सीरियस केस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिकल अफिसर एक साल से नहीं आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे टीम टेक्नीशियन है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और मेडिकल अफिसर का जो काम है वो टेक्नीशियन तो लाजमी बात नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम डिपार्टमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए फील्ड फोर डॉक्टर यहाँ पे मुहैया किया जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे, मजबूरन हम रोड पे जाएंगे। जेजू के पास 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा हमारे लोग गए हैं, लेकिन इस काम का कोई हल नहीं निकला है। एक साल से हम बगैर डॉक्टर के ये बीएचयू जो है चल रहा है। अब हम मेडिकल अफसर के रूम के बाहर हम निकले हैं, अब हम जा रहे हैं उधर मेडिकल टेक्नीशियन की तरफ, जो कि मेडिकल अफसर की जगह वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उधर। हम अभी उसकी तरफ जाएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? अनायतुर्रहमान, मेडिकल टेक्नीशियन। मेडिकल टेक्नीशियन आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर, हमने आवाम से यहाँ पे रैली और हमने बीएचयू का विजिट भी किया, यहाँ पे मेडिकल अफिसर नहीं है काफी अरसे से, 1.5 साल से आवाम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल अफिसर नहीं है। तो आज की ओपीडी कितनी हुई है? आज की ओपीडी तकरीबन 110 हो गई है, अभी बाकी है मरीज। अच्छा, 110 बहुत बड़ा ओपीडी हुआ है और अभी मरीज बच भी रहे हैं, बाकी लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये जो है मेडिकल अफसर न होने की वजह से आपको किस किस मुश्किल के सामने करने पड़ते हैं? जी, इधर मेडिकल अफसर न होने की वजह से काफ़ी मुश्किल है। इधर जो बड़े मरीज होते हैं वो हम हैंडल नहीं कर सकते, कुछ सीरियस मरीज आते हैं इधर जिनको हम आरएससी दासू रेफर करते हैं, क्योंकि इधर एमओ नहीं है, मेडिकल अफिसर भी बड़ा नहीं है, तो इधर ओपीडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लिहाजा इधर एमओ होना चाहिए मेडिकल अफिसर। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो मेडिकल टेक्नीशियन है आपका काम उसने कि काफ़ी अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। सर, जहरी बात है, बहुत बड़ी ओपीडी है यहाँ पे। इस बीएचयू में 2 यूनियन काउंसिल शामिल है, यूनियन काउंसिल बढ़िया और यूनियन काउंसिल कुछ जलकोट। तो आपके लिए कौन कौन सी दुश्वारियाँ पेश आती हैं? हमारे लिए इधर एक मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए, MBBS डॉक्टर एमओ होना चाहिए, क्योंकि हम जो बड़े केसेस होते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इधर एक डॉक्टर लाजमी है, क्योंकि ओपीडी भी इधर आरएससी के बराबर होती है, तकरीबन 110-120 ओपीडी होती है डेली, तो एक डॉक्टर की इधर अच्छी जरूरत। सर, जहरी बात है, यहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल है, एक यूनियन काउंसिल बड़ियार और दूसरी यूनियन काउंसिल कुछ जलकोट, बहुत बड़ी ओपीडी होती है, हमने अभी विजिट भी किया है। और दवाई की क्या सिचुएशन है सर? दवाई इधर बस मिल रही है, 3 महीने के बाद हर 3 महीने शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने 7 फरवरी 2020 को पूरे बीएचयू का हमने विजिट किया है और हमने ये कंक्लूजन निकाला है, मुख्तलिफ राय लिए हमने शेरों से और जो पेशेंट आए हुए थे उनसे, उनका कहना ये है कि यहाँ पर मेडिकल अफिसर नहीं है, तकरीबन 1.5 साल से मेडिकल अफसर से महरूम है। उनका यही कहना है कि अगर अल्लाह ना करे कल किसी की डेथ हो जाए या कोई इस तरह सीरियस केस आ जाए, तो उस सूरत में हेल्थ डिपार्टमेंट उनके लिए ज़िम्मेदार है। लिहाजा ये शहरी जो हैं ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बीएचयू जलकोट के लिए मेडिकल अफिसर तैनात किया जाए।